बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया एक्स और वेजिटेरियन पे एक डाइट बना दीजिए, बहुत सारी बजट डाइट, बहुत सारे डिफरेंट कैलोरीज पे डाइट प्लान अपलोडेड है, पर कोई भी सिर्फ एग और वेजिटेरियन डाइट नहीं है। तो इस वीडियो में भाइयों 160 ग्राम प्रोटीन हिट करने वाला है। डाइट प्लान में जो भी सोर्सेज यूज करूंगा वो काफी सस्ते होंगे, उसके साथ ही साथ इजी टू कुक रहने वाली मील है, भैया बहुत तामझाम ना करना पड़े मील को प्रेप करने में, जिससे मेरे स्टूडेंट या फिर अकेले रहने वाले भाई को मदद मिले। डाइट प्लान ऐसा होगा कि भैया आपको मसल बिल्ड करने में, मास बिल्ड करने में, साइज बिल्ड करने में आपको असिस्टेंस मिलेगी। इस वजह से 2000 से लेकर 2200 कैलोरीज के आसपास डाइट होने वाली, बट चीजें भी हैं जिसे आप चाहो तो कट कर लो और इसे ऐसा फैट लॉस डाइट या फिर मेंटेनेंस कैलोरीज की डाइट यूज करो। तो सबसे पहली मील होने वाली, वहां पे कंज्यूम करने वाले 150 ग्राम पनीर, साथ में 50 ग्राम ओट्स, 200 ml दूध, साथ में सीड्स और उसके ऊपर से आधा स्कूप वे प्रोटीन। आपको पता हो ना हो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटीन का सोर्स खासकर अमीनो की बात करें या माइक्रोस की तो वो पनीर है। एलबीटी भी इसी की सबसे ज्यादा वेजिटेरियन फूड में, तो भैया इसे कैरी करना खासकर पोस्ट वर्कआउट सुपर मस्त थिंग है जो एक वेजिटेरियंस को करना। साथ में भैया ओट्स है जो आपके कार फिलिंग और रिकवरी के लिए, जो खासकर पोस्ट वर्कआउट में आपको बताता रहता लेने के लिए। साथ में सीड्स है जो आपके माइक्रोस का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा दे, बहुत सस्ते आते हैं, 100-200 रुपए में आपको पूरा महीना चल जाएगा, जो फायदा वो दे देंगे ना उसका कोई तोड़ नहीं। ऊपर से आधा स्कूप वे की अमीनोस को मैनेज कर पाऊं। और ऐसे मेरे भाई जो सेम डाइट को यूज करना चाह रहे फैट लॉस के लिए, इस 150 ग्राम पनीर को 100 ग्राम में कन्वर्ट कर और इस 50 ग्राम ओट्स को 40 ग्राम, जो उनको तकरीबन मेन डाइट से 250 कैलोरीज ऑलरेडी पीछे कर दे। बीइंग अ वेजिटेरियन आपको इस चीज को नहीं भूलना है, क्या है लिकोर का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आपको ना पता हो तो फिर बता देता हूं, किसी भी वेजिटेरियन सोर्स में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का अमीनो नहीं होता। अब इसमें बताने वाली बात नहीं कि क्रिएटिन आपकी रिकवरी में कितना मदद करेगा, आपको मसल बिल्ड करने में कितना मदद करेगा, आपकी कैलोरी बर्निंग में कितना मदद करेगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फूड पनीर में भी क्रिएटिन नहीं। इस मील के साथ मैं एक स्कूप क्रिएटिन भी कंज्यूम करने वाला और वेलकोर अपने एक सर्विंग में 3 ग्राम माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सर्व करती है। तो भैया ये थी आपकी पूरी मील 1, इसके न्यूट्रिएंट कंटेंट कुछ इस तरीके से। आइए अब चलते हैं मील 2 पर। की मील 2 पर, मील 2 के आगे बढ़े आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा भैया 15,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कराने का। खुशी की बात है, कहां भैया 100-200 व्यूज आता था, आज 200 लाइक्स हो जा रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ बहुत सारे भैया लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया पर्सनल ट्रेनिंग के लिए कैसे अप्रोच करें। ऐसे मेरे भाई जिन्हें अप्रोच करना है या कोई सवाल ही पूछना हो, जरूरी नहीं है पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, इधर कहीं स्क्रीन पे मैं अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट लगा दे रहा हूँ, वहाँ टेक्स्ट डाल दे, सही वक्त मिलेगा सारे भाइयों को, जैसे जवाब देता जिनको पता है आपको भी दूंगा। भी डाउट क्वेरीज कुछ भी हो, जरूरी नहीं है पर्सनल ट्रेनिंग, तो आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। बात करें मील्स की, तो मील 2 में कंज्यूम करने वाले भैया 150 ग्राम बेसन का चिल्ला है और थोड़ा बहुत सैलड है, इसमें 50 ग्राम सोया चंक है, भैया 250 ml दूध, पर ये 250 ml दूध ही आपको तकरीबन 8-9 ग्राम प्रोटीन दे देगा, उसके साथ ही कैल्शियम और माइक्रोज और बायोबिलिटी में बहुत ऊपर, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। खर्चे की बात करें तो भैया ज्यादातर लोगों को दूध घर ही मिल जाएगा फ्री का, और मुझे इग्नोर भी करो और साइंस की भी माने ना, तो ये सोया चंक्स जो है 50 ग्राम तकरीबन 26 ग्राम प्रोटीन देगा, पर इससे बहुत सारी चीजों में वो 250 ml दूध जीत जाएगा। साथ में भैया 150 ग्राम का बेसन का चिल्ला है, बहुत सुंदर नहीं दिख रहा क्योंकि मैं खुद बनाता हूँ। बेसन भैया हाई इन प्रोटीन होता है, 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन दे देता और बहुत सस्ता है, 110-120 रुपए पर किलो मिल जाता। इसका दाम देखिए भैया, अगर 150 ग्राम के हिसाब से तो भैया 16-17 रुपए में आपको 33-34 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट देगा रिकवरी के लिए, उसके साथ साथ माइक्रोज भी दे देता है बहुत ज्यादा। विन विन सिचुएशन है और वेजिटेरियन स्टिल इसे इग्नोर करते, इसलिए करते वो भगवान ही जाने। तो यह भैया पता है वेजिटेरियंस के प्रोटीन के लिए और नंबर्स बढ़ाने के लिए, नहीं दिखाऊंगा तो भैया आप लोग कमेंट करोगे सोया नहीं दिखा है, नंबर कम है प्रोटीन का, ठीक है धीरे धीरे समझ जाओगे, इसीलिए मैं वीडियो बना। भैया ये बहुत हाई प्रोटीन मील हो गई और उन लोगों के लिए जो फैट लॉस के पर्सपेक्टिव से इस मील को लेना चाहते हैं, तो भैया यहाँ से बेसन का चिल्ला हटा देना 50 ग्राम और साथ में भैया 20 ग्राम इस सोया चंक्स हटा देना, आपको तकरीबन 200 कैलोरीज इस ओवरऑल मील से कम हो जाएगी और बहुत थोड़े ही अमाउंट में प्रोटीन नीचे जाएगा। तो भैया इस पूरे मील की न्यूट्रिएंट कंटेंट कुछ इस तरीके से है। अब मिलते हैं आपसे मील 3 के साथ। बज रहा है तकरीबन 7:30 और वक्त हो गया है आखिरी मील का। एक चीज अगर आप गौर करेंगे, मेरे किसी भी डाइट वीडियो में टाइम मेंशन नहीं होता, उसका एक रीजन है, मेरा हमेशा से ध्यान माइक्रोज मैक्रोज से ज्यादा हॉर्मोन्स पे रहा है और इस वजह से मील्स को ऐसे सेट करना सिखाता हूँ ताकि भैया आप अपने HGH को, अपने इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल में रख सके फास्टिंग कर। अगर पोस्ट वर्कआउट पहली मील 11 बजे खा रहे हैं तो दूसरी मील 3, 3:30, 4 जितना लेट करेंगे उतना फायदा आपको देगा। उसके साथ आखिरी मील जितना जल्दी खाएंगे, जैसे मैं 7:30 बजे खाने वाला, उतना ज्यादा आपको मसल बिल्ड करने का मौका मिलेगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके हॉर्मोन्स इंप्रूव होंगे और जो खाएंगे वो शरीर में लगेगा। बात करें मील 3 की, भैया यहाँ पे सबसे पहले है 200 ग्राम दही, क्यों है बताता हूँ। उसके साथ है 7 ग्राम होल अंडे, साथ में 60 ग्राम व्हाइट राइस। अगर आप फैट लॉस के लिए वीडियो देख रहे हो तो यहाँ कोई चेंज नहीं, आपको खाना ही खाना पड़ेगा क्योंकि रात की आखिरी मील, आपको रिकवरी चाहिए, कार्ब रखने पड़ेंगे। साथ में आप देखेंगे तो ये 7 होल अंडे, आप वेजिटेरियन हो और नॉनवेज के नाम पे सिर्फ अंडा है ना, तो भैया आपके लिए योक बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स उसमें होते हैं जो आप वेजिटेरियन सोर्स में ढूंढोगे तो भी नहीं मिले। तो हटाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा अगर आप ट्रेनिंग अच्छी। साथ में चावल, आपको पता ही है रात में अगर सोओगे तो आपकी बॉडी रिकवर करती है, उस फेज में अगर आपका ग्लाइकोजन स्टोर फुल है तो भैया आपका रिटर्न मैक्सिमाइज होता ही। कहेंगे कि भैया दही रात में पेट खराब करेगा, पर आपको समझना पड़ेगा पहली चीज तो बायोबिलिटी इसकी बहुत ऊपर है, प्रोटीन वगैरह सब मिल रहा है, पर गट हेल्थ पे ये मदद करेगा, ही आपके गट को स्ट्रांग बनाता है। खासकर मेरी वीडियो 16 से 30 साल वाले लोग ज्यादा देखते हैं, तो भैया इन लोगों का किन्हीं का खाना पच ही नहीं रहा है, कोई लोग खा रहे हैं तो भाई दौड़ दौड़ के टॉयलेट जा रहे हैं, फिर कहेंगे भैया मैं
150 ग्राम से 200 ग्राम पे चला गया पर काम नहीं करा। अरे भैया गट हेल्थ तो देखो, अपना डाइजेशन तो पहले देखो, रूटीन सब कुछ नहीं है तो उसके लिए इस चीज को रात में सोते वक्त मिस ना करिएगा। बहुत सारे वीडियोस में भी आखिरी मील में दिखाया, काफी इजी टू कुक मील और हाई इन प्रोटीन है विद कार्ब्स, परफेक्ट सूट करेगा एज अ लास्ट मील। इस मील के भैया न्यूट्रिएंट कंटेंट कुछ इस तरीके से है। भैया 160 ग्राम प्रोटीन भी हिट कर दिया, इजी टू कुक था और बहुत महंगा भी डाइट नहीं। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज 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 कॉमेंट करा करिए। आपका भैया 2 ही सेकंड जाएगा पर मेरे लिए वो बहुत मदद करेगा। तो सच में अगर आपको कोई भी वीडियो मेरी पसंद आती है तो उस पर एक कॉमेंट या लाइक जरूर कर दिया करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।